वृक्ष की ये माला, ये मैं तुम्हारे प्यारे वीरलोक में से लेकर आई हूँ। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है। परियो, अब भयमार को संभालिए, विवान को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे मैं निपटता हूं। तमनासा ने नेत्रपरी के शरीर पर कब्जा कर रखा था, यानी कि हमारे साथ पृथ्वी पर नेत्रपरी तमनासा थी। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? मारोगे नहीं अपनी नेत्रपरी को? मारो ना, रुक क्यों गए? ऐसे मारोगे बालवीर, अपनी बहन जैसी नेत्रपरी को? है हिम्मत? भोला भाला बालवीर, अपनी प्यारी प्यारी बहनों का भाई बालवीर आज मारेगा नहीं? अब जब तुम मार ही नहीं सकते तो क्यों ना मैं ही मार दूं। इन परियों का ध्यान दूसरी ओर है, यही सही मौका है। वार करेंगे तो नेत्रपरी को नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो बालवीर को। क्या करें हम? परियो, मेरी चिंता मत करो, विवान की रक्षा करो। विवान, मम्मी कह रही थी कि तू सुधर गया है। नाटक कर रहा है ना तू? नहीं नहीं, मैं तो सच में सुधर गया हूँ। चटनी, वो चटनी बहुत अच्छी लगती है ना मुझे, है ना? हाथ के बने समोसों की खुशबू, इनमें तो किसी को भी वशीभूत कर लेने जैसा जादू है। समोसे, अरे दो समोसे गायब कैसे हो गए? मम्मी, मेरे समोसे खत्म हो गए, और मिलेंगे क्या? हाँ हाँ, ला रही हूँ। मेरे पास है ना दीदी, ये लो। ये चमत्कार कैसे हो गया? विवान ने अपनी प्लेट से मुझे समोसा दे दिया। मुझसे ही गिनने में गलती हुई होगी। वाह विवान, तेरे दिल तो सलमान भाई जितना बड़ा हो गया। थैंक्स विवान। स्वादिष्ट है। मुझे तो लगता है करुणा जी को वीर लोग बुला लेना चाहिए समोसे बनाने के लिए। ये लो। अरे तेरी प्लेट यहाँ कैसे आ गई? अच्छे से खा ले बेटा, फिर तुझे टीका लगवाना है। कौन से मंदिर जाकर? अरे मंदिर वाला टीका नहीं बुद्धू, हॉस्पिटल वाला टीका, इंजेक्शन। इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे सुई लगवानी पड़ेगी, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बन गई,
बन गई इस नकली विमान को परेशान करने की जोरदार योजना योजना मैंने कहा था ना तुम्हें बालवीर कि अपनी मौत के लिए तुम्हें पूर्णिमा तक का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है क्या हुआ बालवीर चलाओ अपना जादू मारो नेत्रपरी को नहीं मारोगे तो फिर मार खा नेत्रपरी मेरी आवाज सुनिए अपने आप को तिमनाशा की वश से बाहर निकालिए ये नहीं कर पाएगी क्योंकि इसने खुद चुनौती दी थी मुझे अपने शरीर में आने की अच्छाई का भविष्य वीरलोक का भविष्य पूरी दुनिया का भविष्य अब आपके हाथ में है अच्छाई की शक्ति दिखाइए नेत्रपरी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए नेत्रपरी वो ताकत जो अच्छाई की ताकत है नेत्रपरी शक्ति दिखाइए नेत्रपरी आप ये कर सकती है नाता तुझे दिया हुआ नहीं होता मैं वापस लेती हूँ पूरी ताकत कुछ पल के लिए अच्छाई पर हावी हो सकती है लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है तिमनासा, तुमने मेरा इस्तेमाल अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए किया है तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी नेत्रपरी के पास जाओ मैं भैमार को देखती हूँ जाओ नेत्रपरी पानीपरी अब नेत्रपरी को जीवन ज्योत दीजिए आपको जीवन ज्योत से नेत्रपरी के प्राणों को निकलने से रुकना होगा लीजिए माफी चाहते हैं लेकिन हम जहां भी जाते हैं सुई के साथ आते हैं बोलो बोलो किसको लगानी सुई अरे बोली नहीं सुनिए मैंने तो डॉक्टर मेहता को बुलाया था आप कौन नन्ही उंगली की सुई की कसम वो उन डॉक्टर को खुद है डॉक्टर की जरूरत पड़ गई इसलिए हमें आना पड़ा किसको लगानी है सुई अरे बहू बेटा ये अचानक किसकी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर को बुलाया नहीं नहीं पापा जी वो तो विवान के लिए बुलाया है मैंने नहीं वैक्सीनेशन के लिए नमस्ते नमस्ते फिर लगाओ सुई विवान मैं नहीं हूँ विवान वो है मेरा दिल फिर से धबड़ धबड़ कर रहा है कहाँ हूँ मस्ती परी एक एक समोसा आत्मा को छू के गया पेट भर गया फिर मेरी आत्मा को और एक समोसा चाहिए
पेशेंट ये है। आओ बेटा, तुम्हें सुई लगाते। ए! अरे पेशेंट, अरे बेटा, अरे भागो नहीं, रुको विवान। अरे कहाँ गया? पेशेंट मिला क्या पहले बताओ? नहीं, 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 नहीं। बहुत ही शरारती नहीं, बच्चा। नहीं, लगा। नहीं, नहीं। अरे रुक। नहीं नहीं बेटा, नन्ही सुई की कसम बिल्कुल दर्द नहीं होगा। होगा, बहुत दर्द होगा। मस्ती, मस्ती। अरे बोलो नहीं, चुप रहो। जब देखो मस्ती सूझती है तुझे, आप लगाओ इंजेक्शन, लगाओ। अरे अरे पापा जी, कस के पकड़ो इसे। पूरे काल लोक में तोबा तोबा इकलौता ऐसा जाबाज है जिसने वीर लोक के आदमी के पीछे सुई लगाई है। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। ये कौन चीखा? से लगाई, दर्द मुझे क्यों उठा? अरे सुई इसे लगाई और चिल्लाए तुम? दादाजी क्या है ना, मेरे कमर की नस खिंच गई है। अच्छा अच्छा, नन्हे असिस्टेंट तुम लगाओ सुई। ये क्या हो क्या? तुम्हारा सुरक्षा कवच, अब तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खुद नुकसान पहुंच जाएगा। मैं समझ गया क्या हो रहा है। जय हो बालवीर की। अरे लगा लगा, टीका लगाने इतना लगा। अरे बाप रे, अगर सुई नहीं लगी तो सबके सामने कहीं पोल ना खुल जाए। अरे ये कैसे मरीज किस्म के डॉक्टर आ गए हैं हमारे घर में करुणा? अरे सुनिए ना, तुम लगाओ। क्या हुआ? अरे तोबा तोबा, नन्ही उंगली की कसम, पीछे एक नन्ही परी घूम रही है। अगर देख लिया ना तो सीधा अस्पताल जाना पड़ जाएगा। तो निकल लो यहाँ से, निकल लो। हमें अस्पताल में कुछ काम आ गया है। सुई देने के लिए कोई दूसरा डॉक्टर आ जाएगा। अरे अरे बाय, सॉरी सॉरी, चल निकल रहे। कैसे डॉक्टर रहेंगे? ये इलाज करने आए थे, करवाने चले गए। अब मेरा दिल बिल्कुल भी दबड़ दबड़ नहीं कर रहा है। शौर्य वीर स्नान का समय होता जा रहा है और अभी तक परियां और बालवीर विवान को लेकर नहीं पहुंचे। बाल परी, जब से भैमार कैद से आजाद होकर नेत्रपरी को बंदी बना के भागा है, मैं तब से सबकी ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या शौर्य, कहां है वो सब? बालवीर, ध्वनि परी, नेत्रपरी और विवान सब तिमनासा के सिंसुला ग्रह पे हैं। क्या सिंसुरा ग्रह? पर वहां तो सिर्फ तिमनासा की शक्तियां चलती हैं, हमारी नहीं। मैंने तिमनासा के माया जाल को निष्क्रिय कर दिया था, इसीलिए वहां बालवीर और परियों की शक्तियां भी काम करेंगी। लेकिन फिर भी शौर्य, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ परियों और बालवीर की ही नहीं, लेकिन एक दूसरे माँ के बेटे
विवान की भी। तरस आता है मुझे तुम अच्छे लोगों पे। जब देखो किसी ना किसी को बचाना ही चाहते हो, पर क्या हो अगर दो में से किसी एक को बचाना पड़े बालवीर? काल लोक के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का भविष्य खत्म कर देता है भयमार। कि अपने उत्तराधिकारी को विवान बस गए ना धर्म संकट में। बालवीर अब क्या करेगा? बालवीर किसे बचाएगा, उत्तराधिकारी को या इस परी को? या इसे? परी परी क्या कर रहे हो बालवीर? इस तुच्छ परी के लिए तुम अपने उत्तराधिकारी को मरने के लिए छोड़ दोगे बालवीर? तुम्हारा उत्तराधिकारी जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है, इकलौता उत्तराधिकारी। अगर परी को बचाओगे तो उत्तराधिकारी को कौन बचाएगा? और अगर उत्तराधिकारी को नहीं बचाओगे तो दुनिया को कौन बचाएगा बालवीर? तुम्हारी मौत को अंजाम देने के लिए मैंने काल शस्त्र का निर्माण किया, और उस काल शस्त्र से तुम्हारा घर, तुम्हारा परीलोक तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तुमने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी ये सोचे बिना कि तिमनासा चुप बैठेगी। मुझे पता था कि धरती लोक पर काल लोक वालों की ताकत काम नहीं करती, इसलिए मैंने नेत्रपरी का सहारा। तुम्हारी प्यारी सी परी में नेत्र परी का सहारा, लेकिन मैं तुम्हारी नाक के नीचे रही, तुम्हारी परियों के बीच में, ताकि मैं तुम्हारी हर चाल पे नजर रख सकूं जो तुम तिमनासा से छुपाना चाहते थे। नेत्र परी का वापस सहारा लेकर मैं वीर लोग गई, और वीर लोग जाकर मैंने वीर वृक्ष से माला चुराई और भयमार को छुड़ाया। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी बालवीर कि तुमने तिमनासा को कमजोर समझ लिया। आज देखो तिमनासा वापस तुम्हारे सामने खड़ी है, और आज तिमनासा तुम्हारे उत्तराधिकारी को हासिल करेगी और उसे बनाएगी कालवीर, बुराई का गुलाम, तिमनासा का गुलाम। वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे धर्म संकट में जो सबसे बड़ी बेवकूफी थी बालवीर, क्योंकि तिमनासा को हराना नामुमकिन है। उत्तराधिकारी के साथ जन्म लेगा कालवीर।
ठीक तो है ना? हाँ। से अच्छाई ना ही कभी हारी है और ना ही कभी हारेगी। मुश्किलों से ही सही, पर जीत हमारी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।